हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल JMGFX स्टूडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से ब्लेंड टूल वर्क करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमारा मिल रहा है ब्लेंड टूल, तो देखिए कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ दो शेप्स बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ और एक स्टार बना लेता हूँ। इनमें कुछ कलर दे देता हूँ मैं। अब देखिए काम कैसे करता है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, आपको टूल पे जाना है, पहले एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद दूसरे वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए बीच में ये आउटपुट आपका आ जाएगा। अभी कैसे हो रहा है देखिए, अभी ये पूरा ब्लैक बीच में से ले आ रहा है क्योंकि मैंने इन दोनों का स्ट्रोक कलर ब्लैक रखा था। आप उसको चेंज कर दीजिए। कैसे, आप इसके ऊपर, जैसे मैं चलता हूँ स्टार के ऊपर, डबल क्लिक कर दीजिए। अभी स्टार सिलेक्ट है, मैं इसकी आउटलाइन को कुछ दूसरा कलर दे देता हूँ यहीं से, ये देखिए। अब मैंने इसको जैसे येलो दिया तो हुआ क्या है कि उस वाले शेप का आउटलाइन ब्लैक था, इसका येलो है, तो बीच में वो कलर जो है उनके बीच में एक तरीके से ट्रांजिशन आ गया है। वो ऐसा हो रहा है जैसे ब्लैक से येलो में चेंज हो रहा है। अब वो आउटपुट थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा हो रहा है वर्क। इसके लिए मैं, चलिए बाहर डबल क्लिक करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाना है और ब्लेंड ब्लेंड ऑप्शंस। अभी यहाँ पे आपको स्मूथ कलर नज़र आ रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ स्पेसिफाइड स्टेप्स के अंदर। अभी जैसे 254 आ रहा है, मैं इसको 5 कर देता हूँ या 4 कर देता हूँ। प्रीव्यू को ऑन ऑफ कर लीजिए, थोड़ा अपडेट हो जाता है, ये देखिए। अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा सर्कल से स्टार के अंदर ये शेप ब्लेंड हो रही है। कैसे, पहले ऐसा हुआ फिर ये इस तरीके से, एक तरीके से बीच के स्टेप्स दिखा रहा है आपको। ये 4 स्टेप्स में इसने दिखा दिया सर्कल से स्टार में कन्वर्ट होता हुआ। आप स्पेसिफाइड स्टेप्स को ना चूज़ करके स्पेसिफाइड डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जो वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट मीन्स कि हर एक स्टेप्स के बीच में 4 पॉइंट का डिस्टेंस होगा। 2 स्टेप्स होंगे उनके बीच में 4 पॉइंट का डिस्टेंस होगा। आप जितना वैल्यू इंक्रीज करेंगे उतने कम स्टेप्स बनेंगे और जितना कम वैल्यू लेंगे उतना ज़्यादा स्टेप्स बनेंगे। अभी जैसे 4 है, अब मैं इसको 4 को 8 कर देता हूँ, ज़्यादा वैल्यू तो देखिए कम स्टेप्स, 18 करता हूँ तो और स्टेप्स कम हो जाएंगे बीच के, बीच में जो ब्लेंडिंग शेप्स है वो कम हो जाएगी। बाकी आपको एग्जैक्ट स्टेप्स ही चाहिए तो आप स्टेप्स कर लीजिए, ये देखिए इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब देखिए आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, इसका जो कलर है उसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट होएगा जो बीच के शेप से जो ब्लेंड हो रही है। इसका आउटलाइन मैं ब्लैक कर देता हूँ। आप देखिए इसको जितना पकड़ के दूर करेंगे बीच में, देखिए डिस्टेंस बढ़ेगा इनका। अभी आप ब्लेंड के अंदर हो, अब बाहर जाके जब आप करोगे तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही मूव करेगा, ठीक है। तो आपको अगर एडिट करना है तो आप इसके अंदर डबल क्लिक कर दीजिए, आप एडिट कर सकते हो। अब देखिए एक और चीज़, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये अपडेट हो जाएगा। मैं जैसे एक स्टार ले लेता हूँ, ऐसे शेप कोई सिलेक्ट, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ इस तरीके से और
दोनों में ये टूल से ब्लेंड अप्लाई कर देता हूँ। आप इस टूल के ऊपर डबल क्लिक करके भी ब्लेंड ऑप्शंस में जा सकते हो। यहाँ से मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके जैसे इसको मैं कर देता हूँ 100, ये देखिए। अब आप ये टॉप पे है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको इधर कर देता हूँ। इसको आप ओपेसिटी डाउन करेंगे, मतलब ट्रांसपेरेंट करेंगे। इसका दोनों का मैं आउटलाइन नन कर देता हूँ, इसका भी, ये देखिए कुछ इस तरीके से बना सकते हो आप। ओपेसिटी में इसकी कलर की बिल्कुल डाउन कर देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, आप चाहे तो ब्लैक दे दीजिए, ओपेसिटी फुल कर दीजिए। तो एक 3D टाइप का एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो आप इस तरीके से। चलिए और देखते हैं कुछ। अब मान लीजिए मैंने एक सर्कल ये बनाया और एक सर्कल और ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, दोनों में अप्लाई कर देता हूँ, क्लिक क्लिक। चलिए इसको छोटा कर देता हूँ, ये देखिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो देखेंगे आपको बीच में एक लाइन नज़र आ रही है, पाथ। देखिए आप यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। और मैं इस एंकर पॉइंट को एडिट कर सकता हूँ, देखिए इस तरीके से ब्लेंड को मैं थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ, ये देखिए। इसको मैं आउटलाइन दे देता हूँ, एक थोड़ा ब्लैक ही दे देते हैं, इसको भी मैं ब्लैक दे देता हूँ। मैं थोड़े से ब्लेंड स्टेप्स कम कर देता हूँ, 240 को मैं 100 कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं, आप जब ये वाला एरिया देखेंगे तो देखिए अब आपको थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा होगा। इस पर डबल क्लिक, ये देखिए ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है। तो मैं ये चीज़ें भी एडजस्ट कर सकता हूँ, आप सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, अरेंज, सेंड टू बैक कर देंगे तो देखिए वो पीछे चले जाएगा और ये आगे आ जाएगा। तो थोड़ा सा इफेक्ट लगेगा, चेंज हो गया कि ये ऐसे जाके अब पीछे जा रहा है। बाकी आप सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है रिवर्स फ्रंट टू बैक, जो मैं राइट क्लिक करके भी कर रहा था, क्लिक करिए देखिए वही चीज़ हो जाएगी। अब देखिए एक और चीज़, मैं एक सर्कल बनाता हूँ और एक सर्कल और बना लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, फिल कलर सिलेक्ट, ये और ये आउटलाइन नन कर देता हूँ दोनों की। अब देखिए अब मैं चलता हूँ एक कोई भी एक शेप बना लेता हूँ, जैसे यहाँ से स्पाइरल एक ऐसा शेप बना लेता हूँ। डाउन एरो की से थोड़ा कम कर लेता हूँ इसके स्पाइरल्स। चलिए अब देखते हैं। अब चलिए मैंने एक ऐसे स्पाइरल बना लिया है और मैंने ये एक ब्लेंड अप्लाई कर रखा है, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये ब्लेंड जो हो रहा है स्ट्रेट ना होके इस पाथ के तरीके का ब्लेंड हो जाए, मतलब ऐसा स्पाइरल ब्लेंड हो।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट पे जाइए, ब्लेंड, और यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन कर दीजिए। वो देखिए वो अप्लाई हो चुका है, एक स्पाइरल वे में वो ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब ऑरेंज बीच में चले गए और ग्रीन इधर आ गया, मैं चाहता हूँ ग्रीन इधर आए और ऑरेंज उधर चले जाए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट पे जाके ब्लेंड, और आप इसको कर दीजिए रिवर्स स्पाइन। ये देखिए, तो इस तरीके से आप एक ब्लेंडिंग कर सकते हो पाथ के ऊपर भी। आप चाहो तो देखिए एक और चीज़, इसका मैं आउटलाइन कर देता हूँ ऑरेंज और फिल कर देता हूँ नन, और इसका सेम वही कर देता हूँ, फिल नन और आउटलाइन ग्रीन। ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। बाकी आप सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, और यहाँ से आप स्पेसिफाइड स्टेप्स दे दीजिए। अगर आपको कुछ कम रखना है तो, जैसे मैं इसको 50 कर देता हूँ, ये देखिए ओके। तो इस तरीके से आप पाथ के ऊपर भी ब्लेंडिंग अप्लाई कर सकते हो, और आप जैसे जैसे अपने पाथ को एडिट करोगे, वो देखिए वो भी अपडेट होता चलेगा। अब एक और चीज़ देखते हैं, इसमें एक सर्कल एंड एक स्टार, दोनों को मैं डिफ़ॉल्ट कलर दे देता हूँ, चलिए, और इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ ब्लेंड, क्लिक क्लिक। बीच के मैं स्टेप्स थोड़े इंक्रीज कर लेता हूँ, आप टूल के ऊपर भी डबल क्लिक करके जा सकते हैं ब्लेंड ऑप्शंस पे। यहाँ से मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स, इसको मैं 5 कर देता हूँ, ओके। अब देखिए एक चीज़ है इसके अंदर, मैं ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड और इनको एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक्सपेंड से क्या होगा, ये सब शेप्स अलग अलग हो जाएगी। अब ये अलग अलग तो अभी फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि ये ग्रुप में है। आप राइट क्लिक करिए, इसको अनग्रुप कर दीजिए। अब देखिए ये सब शेप्स अलग हो चुकी है, इसके ऊपर अब कोई ब्लेंड नहीं रहा, तो ये है एक्सपेंड। आप टेक्स्ट के ऊपर भी ये ब्लेंड अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ सैम्पल लिख लेता हूँ ऐसे कुछ, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, और इसको कलर दे देता हूँ कुछ ऐसे ही। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ब्लेंड क्लिक क्लिक, बीच में कम आ रहे तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इसको मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स दे देता हूँ, जैसे 100। ये देखिए अभी ये टॉप पे आ रहा है, आप सिलेक्ट करिए ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिवर्स फ्रंट टू बैक कर दीजिए। वो देखिए अब ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला ब्लेंड टूल यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे वाले को थोड़ा छोटा कर दीजिए, थोड़ा एक 3D लुक आ जाएगा इस तरीके से। आप इसको सिलेक्ट करिए कंट्रोल सी, बाहर करता हूँ डबल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट वी होता है आपका पेस्ट इन प्लेस, शिफ्ट कंट्रोल वी। तो इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, जैसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। अब देखिए अभी ये ऊपर हो गया, ये अलग है एक्चुअली, और ये ब्लेंड जो मैंने अप्लाई करा था, तो इसके ऊपर ही मैंने पेस्ट कर दिया था, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे 3D लुक आ चुका है। अब इसको आप पकड़ के अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए।
ये देखिए एक चीज़ और आ रही है इसके अंदर। मैं एक रेक्टेंगल ऐसे कर लेता हूँ और इसी की कुछ ब्लेंडिंग कर देता हूँ ब्लेंड टूल के थ्रू। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, डबल क्लिक करके इसके स्टेप्स थोड़े कम कर देता हूँ, लाइक 10 कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं इसमें एक ऑप्शन है कैसे। मैं एक पेन टूल की हेल्प से ऐसे एक पाथ बना लेता हूँ। अब मैं अगेन वही चीज़ कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन। देखिए अब ये इसके ऊपर अप्लाई तो हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ब्लेंड हो इसके शेप्स ये पाथ के अकॉर्डिंग रोटेट भी हो जाए, तो इसके लिए ही यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लेंड के अंदर, ब्लेंड ऑप्शंस। ये देखिए ओरिएंटेशन, अभी सब के सब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट रहेंगे जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। वो देखिए पाथ के अकॉर्डिंग शेप्स ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगी। 5 करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ओके कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे जैसे आपकी शेप होगी, जैसे जैसे आपका पाथ होगा, उस हिसाब से ये अपने आप रोटेट हो जाएगी शेप्स। तो इस तरीके से आप ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलता रहे। धन्यवाद।